वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक और बन हेयर स्टाइल लेके आई हूँ, जो कि छोटे बालों पे आप बहुत ही इजीली बना सकते हो। मैसी बन बनाने में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ब्यूटीफुल सा मैसी बन नहीं बना पाते हो, तो आज मैं एक इजी सा ट्रिक लेके आई हूँ। आप लोग मैसी बन बहुत ही इजीली बना लोगे, छोटे बालों में, लंबे बालों में, कैसे भी बालों आपके, बहुत इजीली और बहुत अच्छे से लुक आएगा मैसी बन का। तो सबसे पहले मैसी बन आपको हाई बनाना चाहिए, तो हाई मैसी बन बहुत ही प्यारा लगता है। तो आपको पहले इसके लिए हाई पोनीटेल बनाना है। हाई पोनीटेल बनाना नहीं आता है तो सही इसी तरीका बता रही हूँ आपको। सिर को इस तरीके से नीचे झुका लेना है और बैक से थोड़ा कॉम करना है। ओके, अच्छे से कॉम करने के बाद तरीके से आपको पूरा अच्छे से कॉम कर लीजिए और एकदम हाई में इसी तरीके से सिर नीचे किए हुए आप रबर बैंड लगा दीजिए तो आपका बन एकदम परफेक्ट सही जगह पे बनेगा। ओके, इस तरीके से बनाने के बाद से आपको क्या करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपको थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच लेना है। देखते हो आप लोग परफेक्ट मैसी बन में अक्सर थोड़े से बाहर से भी हेयर मैसी से दिखते हैं, तो उसके लिए आपको चारों तरफ से हेयर खींच लेना है और खींचने के बाद से अपनी लेयर्स जो निकालनी है वो आप लेयर्स निकाल लीजिए। मैसी बन में लेयर्स ज़रूर निकालिए, काफ़ी अच्छा लुक आता है इससे। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने हेयर निकाले हैं अपने बालों की, तो पार्टिंग करनी है बैक वाले बालों में, बैक कॉम्बिंग करनी है अच्छे से। ओके, बैक कॉम्बिंग करने से जैसे आपके छोटे भी बालों में, छोटे बालों में मैसी बन कैसे बनाएं ये वीडियो इसके लिए है। जैसे आपने बैक कॉम्बिंग किया तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है बालों में। बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये जो हमने बैक कॉम्बिंग की थी इससे बालों में बहुत ज़्यादा अच्छे से वॉल्यूम आ चुका है। तो आपने ये वाला जो हेयर निकाला था इसको छोड़ देना है और ये जो आपने बैक कॉम्बिंग की है इसको हल्का हल्का सा राउंड करना है, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का सा करना है। अब देखते हो कितना अच्छा सा और बड़ा सा बन आपका बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और इसको अच्छे से सेट करते हुए यू पिन्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो यू पिन को ले लो और अच्छे से इसको सेट कर दो। अगर आपका यू पिन निकल जाता है, जैसे आप हेयर स्टाइल करते हो बाद में जैसे यू पिन निकल जाता है, हेयर स्टाइल खराब हो जाती है, तो उसके लिए आप जब यू पिन लगाते हो तो ये वाला स्प्रे से अच्छे से इसको मार दो और यू पिन को अंदर की तरफ स्प्रे मार के बालों पे और यू पिन को अच्छे से अंदर की तरफ लगा दो। तो यू पिन आप जब तक निकालोगे नहीं तब तक नहीं निकलेगा, उसके बाद ये वाले हेयर को आपको अच्छे से कॉम करना है। ओके, और इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। तो छोटे पतले बालों में भी आप इस तरीके से बड़ा सा यू मैसी बन हेयर स्टाइल बना सकते हो और बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो। अगर आपको हाई पोनी बनाने नहीं आती है तो इस वीडियो में आपको वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे से आप जितना भी आपको यू पिन चाहिए उतना आप लेके अच्छे से लगा लो। ओके, यू पिन लगाने के बाद से आप जैसे आपके हेयर इधर उधर से निकल जाते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, स्प्रे लेना है और अच्छे से पूरे वाला पे मारना है। जैसे इधर से मांग निकलती हो तो उसके लिए आप स्प्रे मार के और अच्छे से ऐसे कॉम कर दोगे तो ये आपका बाल जैसे है वैसे ही रहेगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलेगा और काफ़ी लंबे टाइम तक आपके बाल ऐसे ही सेट रहेंगे। ओके, तो ये हमारा बन क्रिएट हो गया, ये जो निकल रहा है। तो ये हमारा बन अच्छे से रेडी हो चुका है और आई होप कि आपको समझ में आया हो छोटे पतले बालों में आप किस तरीके से मैसी बन, परफेक्ट मैसी बन बना सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इस तरीके से मैं बन का आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये है बन का फाइनल लुक, तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो मुझे अभी पल्लू सेट करना है इसके साथ में, तो मैं इस तरीके से पल्लू सेट करूँगी। आप इसको साड़ी के साथ, सूट के साथ, जींस टॉप के साथ, ऑल टाइप ड्रेस के साथ बना सकते हो इस तरीके का बना। और इसको आप साड़ी के साथ भी काफ़ी प्यारा लगता है, आप देख सकते हो।
तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।